आलतू जलाल तू आई बला को डाल तू आलतू जलाल तू आई बला को डाल तू आलतू जलाल तू आई बला को डाल तू। सब तोर भूल मनोरमा, सब तेरी गलती है। एक तो बिजली का बटन बंद करना भूल गई और ऊपर से बारिश का मौसम, अगर आंख लग गई तो ऊपर से पूर्णिमा की रात को मुझे वहां जाना पड़ रहा है। कौन था पता नहीं, बोका लाइट भी जला के चली गई। मैं भगवान, कौन कौन है वहां के आछे? पिंजरे भी ना, कितने डरावने हैं। तू क्यों चला रही है? तुम क्यों चीखे? और तुम ही के? क्या? तुम कौन हो? और ये सब क्या है? मुझे ये पीढ़ियां क्यों डाली? बोलो इसे, निकालो मुझे। तो हिंदी में पूछ लेना। मैं कौन हूँ? आप सबसे पहले तुम ये बताओ, किस घर का असली मालिक कौन है? अमीनोय।
हिंदी में। आमी नोए मतलब मैं नहीं हूँ इस घर की मालिक, मैं तो सदियों से यहाँ काम करती हूँ। क्या सदियों से? अच्छा, लेकिन ये कहली तो अभी भी की तो फिर सदियों का अभी तक। मेरा मतलब मेरा माँ बाबा और पिता माँ। विश ये बोका है चलता। भीष्म नहीं, पितामह मतलब मेरे बाबा के बाबा। मेरा पूरा परिवार सदियों से इस घर की साफ सफाई करते आया है और मुझे नहीं पता इस घर का मालिक कौन है। मैं भी इस घर की साफ सफाई करती हूँ और जो वेतन होता है वो तार से घर आ जाता है। पर तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम कुछ नहीं जानते इस घर के बारे में। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? मुझे जाने दो यहाँ से। चुप। तुझे इसलिए बांध के रखा है क्योंकि तू आज के बाद यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, हमेशा के लिए इस घर में रहेगी आराम से। तुम्हें की पागल होएगा चो? माथा खराब होएगा चो तुम्हारा? यहाँ यहाँ कोई नहीं रह सकता। इस घर में भूत रहता है, भूत। और तुम्हें अगर रहना है ना फिर भी तुम रहो, पर मुझे जाने दो। ये मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। खाना बदोश हूं मैं, पुलिस से भागते भागते थक गया हूं, पंजाब से बंगाल आ गया और यहाँ के मुझे सब कुछ मिल गया। इतना अच्छा घर, उससे भी सुंदर घर वाली। तुम्हारा ना सच्ची में दिमाग खराब हो गया है। तुम ना शोत्ते पागल हो। तुम इस गांव में नए हो ना, इसीलिए नहीं जानते। इस घर में भूत है। सब बकवास है। अरे बकवास नहीं है शुद्धि, इस घर में भूत रहता है। वो देखो देखो दरवाजा खुला है। मैं अभी भी कह रही हूँ अपनी जान बचाओ और चलो यहाँ से। तुम ना सच में पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अब क्या हुआ, तो फिर चिल्ला रही हो? वो चेहरा। कौन सा चेहरा? कुछ नहीं है वहां पे। वो चेहरा तुम्हारे पैर से, क्योंकि तुमने अपनी ही बेड़ी इतनी जोर से खींची कि तुम्हारा खून बहने लग गया और तुम पता भी नहीं चला, पागल हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, वही खून तुमने इस कुल्हाड़ी पे लगा दिया मुझे डराने के लिए, पर मैं नहीं डरूंगा, तुम जितना डरा लो मुझे। अरे शोक्ति, ये मेरा खून नहीं है। चलो यहाँ से चले जाते, देखो दरवाजा अभी भी खुला है। बार बार कह रही हूँ दरवाजा खुला है, चलो यहाँ से जाते हैं, चलो। कहाँ जा रही हो? और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक शिकारी और एक कैदी।
और इस कहानी का शिकारी मैं हूं, और मुझे जो चीज अच्छी लग जाए उसे मैं उम्र भर नहीं छोड़ता। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। शक्ति मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम चोर हो, प्लीज मुझे जाने दो। नाम क्या है? अरे तेरा नाम पूछा है, बताएगी या गिरा दूं? ठीक है, मनोरमा, 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 यानी कि मन को रमने वाली मनोरमा। अच्छा, मेरा नाम नहीं पूछेगी? पूछना। मेरा नाम है सिकंदर, शिकारी सिकंदर। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। मनोरमा सिकंदर। बहुत खूबसूरत है तू, तेरी खूबसूरती तेरे अंग अंग से झलकती है। अगर मुझे कुछ करना होता ना तो कल रात कर चुका होता, पर जिसम ही सब कुछ नहीं होता। नहा ले। तुमने क्या किया? अगर तुम ये कुल्हाड़ी नहीं उठाती तो ये बिच्छू मुझे मार देता। वैसे तो मुझे मार सकती थी अपनी आजादी के लिए, आजाद हो जाती, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बचाया क्यों? चाहते तो तुम भी बहुत कुछ कर सकते, कल भी आज भी, फिर तुमने क्यों नहीं किया? सही कहा तुमने, अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। अरे पगली, अगर कुछ कर भी देता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? तुम्हारा जिस्म ही तो मिलता, लेकिन जिस्म ही सब कुछ नहीं होता। ये मैंने पहले भी कहा था। आजादी भी सब कुछ नहीं होती, सदियां बीत गए, न जाने कितने वक्त से मैं अकेली हूं। जो भी मिला उसने सिर्फ मेरे जिस्म को चाहा।
पर तुम अलग हो। अलग? कैसा अलग? पता नहीं, पर तुम पे भरोसा करने का मन करता है। तुम भी सोच रहे होगे ना, कितनी अजीब लड़की है ये। कल तक भागना चाहती थी और आज ये सब कह रही है। पर सच तो ये है कि जो प्यार मेरे लिए मैं तुम्हारी आंखों में देख पाई, वो आज तक किसी के भी नजर में नहीं देख पाई। तुझे दो रातें लग गई, लेकिन मैं तो तुझे पहले दिन ही देख के समझ गया था कि तेरा मेरा रिश्ता आज का नहीं, जन्मों पुराना। ये लो फिर, तुम मुझे अपनी बंदी बना। तुम बेड़ियां निकाल क्यों रहे हो? ये क्या किया? तुम्हें कैद करके रखने के लिए ये बेड़ियां काफी नहीं। अब तुम होगी मेरी पक्की वाली। अब ये शिकारी जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। शक्ति शक्ति मरेंगे सब मरेंगे।
जाके, छाड़ो। ना? कुछ नहीं, बस वो एक पूरा सपना था, वो देख लिया। सपना देखा या सच? शोना, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि इस घर में भूत है। अभी भी समय है, देख लो। देखो दरवाजा भी खुला है। चलो चलो, हम चलते हैं यहाँ से। अगर इस घर में भूत है तो तेरे चेहरे पे डर क्यों है? डर डर तो छिलो, किंतु एखन चले गेछे। तुम जो मिल गए तो फिर बस, मैं तो एकदम बैंड बजा दूंगा। अच्छा सर, ठीक है, मुझे तैयार होकर निकलना है। अरे कोठा है? अरे मेरी माँ बाजार। अच्छा तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। चल। हमें देख के क्यों भाग रहे हैं? पागल है क्या? अरे क्या हो गया? सबको क्या हो गया? आमी की जानी शोना। ये हमें देख के क्यों भाग रही है? वैसे सच बताऊं क्या, मुझे गांव वाले थोड़े पागल ही लगे। इसे तुम ज्यादा सोचो मत। अरे वाह, वो देखो माच। मैं अभी माच लेकर आती हूँ। दादा माच कैसे दिया? अरे भाई, अरे अरे, ये क्या भाग गया? ये जानी शोना, ठीक है ना? अच्छा ही हुआ, हमें मुफ्त का माच भी मिल जाएगा। ओ, तू चोरी करेगी? ये तुम कह रहे हो शोना। ये लो, पकड़ो। वैसे तो सबसे बड़ी चोरी है। मैंने क्या चुराया? तूने मेरा दिल चुराया। सच? चलो घर चलते हैं। क्या बात है बंगाले, सिर्फ मछली खिलाएगी, मुर्गा नहीं? अच्छा तो तुम्हें मुर्गा पसंद है? पंजाब सुना, जब तक ये देसी मुर्गा ना खा लू ना, मेरा दिन नहीं निकलता। तो तुम्हारी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। मैं अभी गई और अभी मुर्गा पकड़ के लाई, ठीक है? ओ, ये और तो काम नहीं है, पंजाबी मुंडा मैं हूँ, मुर्गा मैं पकड़ के लेके आता हूँ। पकड़ और देख।
मुर्गा तो शैतान है, थका दिया इसने। अब मैं पकड़ के लाऊं? तू पकड़ेगी, जो काम मैं नहीं कर सका वो तू करेगी, जा। तुम्हारा मुर्गा भी आ गया। लेकिन इस मुर्गे ने तेरी बात कैसे सुनी? क्योंकि ये मुर्गा बंगालन था, पंजाबी नहीं, समझे? अच्छा तुम यहीं रुको, मैं थोड़ा शाक सब्जी लेकर आती हूँ। उसके साथ क्या कर रहे थे? अब मैं, मेरा नाम सिकंदर है, इस गांव में नया आया हूँ, और वो मेरी पत्नी है। मैं 2 दिन पहले उससे शादी की, तू जानती है? पत्नी? पत्नी नहीं, वो पेटनी है, पेटनी। पेटनी? पेटनी मतलब भूतनी, चुड़ैल। भाग जा, जल्दी चला जा यहाँ से, नहीं तो वो तुझे मार डालेगी। अरे क्या बोल रही है आप? कहा ना वो मेरी पत्नी है। तुझे उसने अपने जाल में फंसा लिया है, तेरे साथ कुछ अद्भुत घटना घटी होगी। ढूंढ जाके उस घर में, 24 घंटों में कम से कम एक बार तो वो अपनी असली रूप में जरूर दिखाई देगी। जैसी है वैसी दिखती नहीं। कौन मैं? अमीना, अमीना, हम किचु जाने ना। ठीक है, चलो चले। अरे सोना, बूढ़ी औरत थी, आज नहीं तो कल ऐसा तो होना ही था। चलो, वैसे सब मेरी तरह किस्मत वाले थोड़ी होते हैं। सोना, मेरे हाथ के माछे झोल और भात खाओगे ना, अपना वो मुर्गा उर्गा सब भूल जाओगे। पत्नी नहीं, वो पेटनी है, पेटनी। चुड़ैल, जल्दी चला जा यहाँ से, नहीं तो वो तुझे मार डालेगी। तेरे साथ कुछ अद्भुत घटना घटी होगी। ढूंढ जाके उस घर में, 24 घंटों में कम से कम एक बार तो वो अपनी असली रूप में जरूर दिखाई देगी। अंदर? हाँ? शुना, क्यों? अरे क्यों इसे? पहले तू बता कि तू कौन है? मतलब तू पत्नी, प्रेतनी या पेटनी? पेटनी है ना, वो औरत बोल रही थी कि तू भूत है, तू भूत है ना? तुमको क्या सच में लगता है मैं भूत हूँ? सच?
तो वो मुर्गा वो तेरी आवाज से रुक कैसे गया? और वो पागल बुढ़िया वो उसे मिर्गी का दौरा कैसे पड़ा वो? सिकंदर सुनो मेरी बात, मैं बचपन से मुर्गा पकड़ती आई हूँ, इसीलिए इतनी आसानी से वो मुर्गा पकड़ भी लिया मैंने। और वो औरत, इसकी उम्र तो देखो कितनी बुढ़ी हो गई है, कुछ याद भी रहता होगा क्या उनको? एक बात सच कहो, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था इस घर पे भूत है? तुमको फिर भी यहाँ पे रुकना है ना? तुम रुको, मरो, जो करना है करो, ये घर भूतों से श्रापित है। कोई बात नहीं सिकंदर, तुम अगर अभी भी जाना चाहते हो ना तो चले जाओ, हमें किच्छु बोलबो ना। माफ कर दे ना सिकंदर, चले जाओ तुम्हें, चले जाओ। अच्छा देख, आज जोड़ दो कान पकड़, चल हंस दे, हंस दे। मनोरमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। तो चल। दारिया चिश्की, जा खुन। शोना, तुम इधर दूर हो। तुम भूत हो ना? बुढ़िया बिल्कुल ठीक कहती कि तुम भूत हो। तुम लड़कों को फंसा के उन्हें मार देती हो, है ना? नहीं शोना, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुमसे प्यार व्यार नहीं करा, मुझे जाने दो। अगर मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ कर देना। अरे सुनो तो, छुप क्यों रहे हो तुम? देखो तुम मेरे पास बताओ, देखो मुझे पता है तुम भूत हो ना, सच सच बताओ तुम भूत हो ना। सोना सच सुनना है तुम्हें,
तो सुनो, कुछ 100 साल पुरानी कहानी है ये। मैं बचपन से इसी घर में काम करती थी। जब 17 साल की हुई तो माँ ने मेरी शादी तय कर दी। भारी मन से आखिरी बार इस घर में काम करने आई थी। मुझे ये नहीं पता था कि वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस घर के मालिक को मैं बाबा कहती थी और उनके तीनों भाइयों को काकू। माँ ने मुझे हमेशा यही कहा था कि वो चारों मेरे बाबा समान हैं, पर हकीकत कुछ और ही थी। उन्होंने कभी भी मुझे बेटी नहीं समझा, बल्कि किसी और नजर से देखते थे। बाबा, आपके लिए चाय बनाओ। जिन्हें मैंने बाबा समान समझा था, उन्होंने ही मेरे शरीर को छलनी जलनी कर दी। मैं अकेली और वो चार। ना मैं चीख पाई, ना मैं खुद को बचा पाई। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद भी मैं जीना चाहती थी। उन दानवों को वो भी मंजूर नहीं था। और मुझे मार दिया। जिस शरीर को उन लोगों ने गंदा किया था उससे तो आजाद हो गई थी मैं, और उन्हें उनके कर्मों का सजा देने के लिए मैं वापस आई। और एक एक को मैंने सजा दी। उसके बाद एक एक का सर धड़ से अलग कर दिया मैंने और कैद कर दी। कैद? मतलब? तुमने तो बोला था चार लोग। ये सब कौन है? बेचारी औरत को बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, वो फिर चाहे औरत हो या पेटनी, उसे मर्द की बुरी नजर लग ही जाती है। ये सब भी मिले थे मुझे तुम्हारी तरह, और इन सब ने मेरे शरीर का फायदा उठाना चाहा। तो मैंने इनका सर भी धड़ से अलग कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दी। शोना, उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा था ना, तो मुझे लगा था कि तुम भी इनकी तरह मेरा फायदा उठाना चाहोगे। तो तुम पहले से जानती थी कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? वो तो बोका है छेलेटा। तुम्हें क्या लगा सिकंदर कि तुम यहां
खुद अपने आप चले आए? नहीं, तुम्हें मैंने यहाँ लाया है। मुझे सब पता था कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, मुझे देख रहे थे और मैं तुम्हें देख रही थी। इस कहानी में शिकारी तुम नहीं थे बल्कि मैं थी, और अगर तुमने मुझे छुआ होता या बुरी नजर से देखा भी होता ना, तो आज इस पिंजरे में तुम्हारा कटा हुआ सर होता। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया सिकंदर, तुमने तो मुझे छुआ भी नहीं, बल्कि तुमने मुझसे विवाह किया और मुझे यकीन हो गया सिकंदर कि तुम ही हो जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया है। सच सुनो तो तुम ये जानती है ना कि मेरा प्यार कितना सच्चा था? मानती भी हूँ, मैं मानती भी हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। तो फिर मुझे जाने दो। सात बार सिकंदर मैंने तुम्हें मौके दिए, बार बार कहती रही सिकंदर यहाँ से चले जाओ, दरवाजा खुला है, भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से। यहाँ तक कि यहाँ जो आत्माएं हैं वो भी तुम्हें डरा रहे थे ताकि तुम डर जाओ और यहाँ से भाग जाओ। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने सोना मुझे चुना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं और शोना, कैसे समझाऊं? तुम ही बताओ ना, मैं कैसे जाने दूं तुम्हें? तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। मुझे पत्नी से पत्नी बनाया। अब हम जिंदगी भर एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे जिंदगी भर, और तुम्हारे मरने के बाद